घर से भागकर शादी रचाने वाले दो प्रेमी युगल का वीडियो कर दिया और फिर शुरू हो गया गालियों का बौछार। लोगों ने अपने अपने ढंग से टिप्पणी की और ऐसी टिप्पणियां जो उनको भी आहत करेंगी और वीडियो करने वाले को भी। कुछ बात करता हूं और आपसे भी चाहूंगा कि इस पर आप अपना अभिमत हमें दें। दोस्तों, दोनों बिहार के हैं, सासाराम के हैं, दोनों बालिग हैं और कई बार उनके रिक्वेस्ट पर हमने यह वीडियो किया, सर कर दीजिए, सर इनकार मत करिए, सर हम लोगों के पास कोई साधन नहीं है रोजी रोटी का, सर चैनल चल जाएगा। पहले तो मैंने बहुत इग्नोर किया, बचता रहा, लेकिन लगा कि नहीं करना चाहिए और अगर अभाव में कोई गलत कदम उठा लिया तो इसके जिम्मेदार हम भी हैं, हम भी होंगे, आप भी होंगे। लोगों की टिप्पणियां क्या आई, इनको समाज में जीने का हक नहीं है। किसी ने कहा यदि हमारे बच्चे होते तो हम तो गोली मार देते। किसी ने कहा इनका मुंह काला करके घुमा देना चाहिए। किसी ने कहा जो माँ बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा। हमने भी इस बात को कहा था कि जिस माँ ने 9 महीने तक मांस के लोथड़े के रूप में तुम्हें पाला और तुम लोग एकाएक निर्णय लेकर के चले गए, घर छोड़ दिए, खड़ी खड़ी दोपहरी में जब द्वितीया का व्रत करके मांस हो रही थी तब तुम चल दी और तुम भी अपने घर से चल दिए। दोनों ने कहा सर लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। टिप्पणियां ऐसी ऐसी आई जिसे बताने में भी मुझे काफी कष्ट हो रहा, लेकिन ध्यान से इस वीडियो को आप देख लीजिए। टिप्पणियों में ऐसे भी आया मेरे ऊपर भी कि आप बड़ा मजा ले रहे हैं और बड़ा आनंद ले रहे हैं, लग रहा है कि जवानी के दिन आपको भी याद हो गए। क्या करें, हम कह दें कि तुम जैसे मक्कार, नमक हराम और कुलद्रोही लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। थोड़ा सा कहीं पानी हो तो वहीं नाक रगड़ के मर जाओ। अगर हम ऐसा करते हैं, उन्हें डांटते हैं, फटकारते हैं। उन दोनों ने यह भी कहा, मैंने पूछा क्या संदेश देना चाह रहे हो। यह वीडियो तमाम लाखों लड़के और लड़कियां देखेंगे जिनका कहीं ना कहीं प्रेम प्रपंच चल रहा है, कहीं प्यार के अंकुर फूट रहे हैं और घर की सहमति न मिलने के बाद वो अभी उनके मन में आएगा कि हम भी घर छोड़ करके निकल लें और जाकर के शादी कर लें, अपना जीवन अपने ढंग से चलाएं। कानून इसकी इजाजत भी देता है, संविधान इसके लिए उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा है। अब हमने पूछा कि बताओ, दोनों कह रहे हैं कि सर हमने जो गलती किया वह अन्य लोग गलती न करें। क्या समझ रहे हैं, इससे संदेश नहीं जा रहा है। एक नागरिक कर्तव्यों का पालन इस मामले में भी हो रहा है कि देख लो बेटा जिसने ऐसा किया है वह ही कह रहा है। और जुम्मा कुछ दिन ही हुए हैं, 1 महीना भी नहीं हुआ शादी के, थाने में शादी रचाई गई। अगर यह अवैधानिक कृत्य होता तो थाने वाले कह देते भैया चलो यहां से फूटो और अपराध दर्ज कराते। दोनों के सर्टिफिकेट हैं, दोनों बालिग हैं और उन लोगों ने ऐसा निर्णय लिया। मैंने यह भी कहा कि परिवार को विश्वास में लेना चाहिए था। माँ बाप ऐसे नहीं है, वह मान ही जाते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बहुत से माँ बाप ने हत्या कर दिया, गोली मार दिया, प्रेमी को धोखे से बुलाकर पीट पीट करके मार डाला। अब कानून तो सबके लिए बराबर है, आप अगर किसी और की हत्या करते हैं तो भी 302 होगा और अपने बच्चे की हत्या करते हैं तो यह दलील नहीं चलेगी कि हमने पैदा किया था, हमने मारा पीटा, हमने हत्या कर दिया, हमने मार के हाथ पैर तोड़ दिया। यह दलील तो आपकी नहीं चलेगी, आप भी 302 के मुलजिम होंगे और जाएंगे जेल आजीवन कारावास से लेकर के जैसी स्थिति होगी वैसी आपको सजा दी जाएगी, क्योंकि आपने हत्या किया है, आपने मारा है। अब दोस्तों, टिप्पणियां जो आहत करने वाली हैं उन बच्चों को भी हमने फोन करके पूछा कि ऐसी ऐसी टिप्पणियां आ रही हैं, क्या वीडियो डिलीट कर दें। कहा नहीं सर, ऐसा मत करिए सर, प्लीज। अब देखिए, उस लड़की की बात बता रहा हूं, लड़की ने इतना मैसेज किया हमको, हम इग्नोर करते रहे, इग्नोर करते रहे। अब फिर बता रहा हूं, बहुत से लड़के लड़कियों का फोटो लगा करके मैसेज करते हैं तो मैं उस पर ध्यान नहीं देता ऐसे देख करके। बहुत से हाय करते हैं, हाय, और अपना पता नहीं लिखेंगे, हेलो हाय करेंगे, सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, अरे हम अच्छे लग रहे हैं ठीक है, धन्यवाद तुमको, लेकिन अपना अपना बता तो दो कि कौन हो, क्या करते हो आप। चलिए अब विषय पर आते हैं। बच्चों ने चूक किया तो अब हम उसे मारेंगे नहीं, हत्या नहीं करेंगे। अमिताभ ठाकुर चले गए इसी मामले में जेल चले गए और अमिताभ ठाकुर का नाम लेकर के, आईपीएस अमिताभ ठाकुर का नाम लेकर के दोनों ने अपने जीवन लीला
को समाप्त कर लिया आग लगा करके। अमिताभ ठाकुर की कोई दलील नहीं चली, कोई दलील नहीं चली, क्योंकि अंतिम बयान उनका था कि इनके इस कृत्य से हमें ठेस लगी और हम ऐसा करने जा रहे हैं, किसी गवाह की जरूरत नहीं है। अमिताभ ठाकुर चिल्लाते रह गए, पुलिस ने घिरा करके उन्हें जेल में भेज दिया। 6 महीने बाद जमानत पर आए हैं। कोई क्रिएटर हिम्मत भी नहीं कर रहा था, हमने ही वीडियो किया, दमदारी के साथ किया। तो अगर बच्चों ने गलती कर दिया, माना कि विश्वास में नहीं लिया मम्मी पापा को, अब विश्वास में कहा भी, लड़की कह भी रही है कि हमने कहा था घर पर लोग तैयार नहीं हुए, मैंने जाति आधार भी नहीं बताया उसमें, यह भी नहीं बताया कि लड़के, यह कहा इंटरकास्ट के। चलिए कुछ लोगों ने कहा यदि आपकी बेटी ऐसी होती तो आप क्या करते। आओ दोस्तों, सारा कुछ शेयर किया है तो इसे भी शेयर कर दूंगा। हमारी बेटियां एक तो ऐसा नहीं करेंगी, नंबर एक। नंबर दो, हमने उनसे उनकी मम्मी ने और हमने भी एक तरह से ऐसा व्यवहार किया है कि वो सारी चीजें शेयर कर सके। शादी कुछ की हुई भी है, हमारी दो भतीजियों की हुई, हमारी एक बेटी की हुई है। मैंने पूछ लिया था कि बेटा बताओ, कहीं अगर कुछ हो तो बता देना, गाय भैंस नहीं हो कि हम खूंटे में मजबूत रस्सी लगा करके बांध देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तुम लोग बालिग हो, तुम्हें अपने ढंग से ऐसा सोचने का अधिकार है, और अगर कहीं कुछ हो तो बता दो, बात अगर ठीक लगेगी तो हम स्वीकार कर लेंगे, नहीं ठीक लगेगी तो एक बार दो बार चार बार उन्हें हम नीचा ऊंचा सब देख करके समझाने का प्रयास करेंगे, और बच्चे अगर उसी पर अडिग हैं तो हम उनकी खुशी के साथ अपने आप को न्यौछावर कर देंगे, क्योंकि यह लोकतंत्र के सबसे पवित्र ग्रंथ की मीमांसा और विशेषांक है। हम कर देंगे, फिर कह रहा हूं, कई बार कहा हूं, आज भी कह रहा हूं, यदि बच्चे इंटरकास्ट मैरिज के लिए भी तैयार होंगे तो देवभूमि उत्तराखंड पर हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बच्चे समझदार हैं, और किसी दहेज लोभी, जोर देकर के कह रहा हूं फिर से, किसी दहेज लोभी ब्राह्मण के घर शादी करने के बनिस्पत उस शादी को मैं स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि किसी ऐसे किन शब्दों का प्रयोग करूं, किसी ऐसे दहेज लोभी ब्राह्मण के घर शादी करना स्वीकार नहीं होगा। अब तक जो शादियां किया है, एक आदमी थोड़ा बहुत चला है, किसी ने जिद नहीं किया, अब तो कान पकड़ लिया हूं कि दहेज मांगने वाले के घर नहीं करूंगा। हर माँ बाप चाहता है कुछ अन्न, कुछ वस्त्र, कुछ द्रव्य, कुछ जेवर दें, हम भी देंगे, इसीलिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और कई लोगों ने कहा, चलिए यह बात तो साफ हो गई कि मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, तमाम परिवारों को जानता हूं जिसने खुशी खुशी ऐसा किया। एक चीज बताइए, पंडित जी की लड़की है और दलित लड़के के साथ उसने शादी कर लिया, दलित लड़का IPS है, IAS है, न्यायिक सेवा का अधिकारी है, किसी अन्य सेवा में है, तब तो आवाज नहीं उठेगी, पंडित जी लोग नहीं कहेंगे, बाबू साहब की लड़की, राय साहब की लड़की चली गई किसी अल्पसंख्यक के साथ और अल्पसंख्यक SP है, IPS है, तब तो कोई आवाज नहीं उठेगी, और ऐसे मामलों में आवाज उठाओगे, कौन सी दकियानूसी है यह, कर ही दिया गलती तो क्या करेंगे, काट के फेंकेंगे, हम भी ऐसे ही कर दें, बंद करो, रखो फोन, दिमाग खराब है, तुम लोगों ने ऐसा किया है और वीडियो करवाना चाहती हो, शर्म नहीं लग रही है, मां बाप की नाक कटवा दिया तुम लोगों ने, मां बाप को भी हम समझाएंगे, मां बाप काट के नहीं फेंकेंगे। बहुत से परिवारों को जानता हूं, बहुत से परिवारों से सीधे हमारा है जिनकी लड़कियां घर छोड़ के चली गई और संबंध नहीं हो पाए, ऐसे परिवारों को भी जानता हूं, ऐसे परिवारों को भी जानता हूं जहां रोग आकर के लोगों ने स्वीकार कर लिया और संबंध है आना जाना है। एक हमारे ही संबंधों में मुस्लिम लड़की से शादी करके फॉरेन में है, पहले इग्नोर किया लोगों ने, डॉक्टर दोनों हैं, विदेश में है, अब दोनों घर आते जाते हैं, कुछ दिन तक ऐसा हुआ, लेकिन दोनों चिकित्सक हैं, पंडित जी हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। बाबू साहब की लड़की चली गई, बहुत अच्छा परिवार था, कई लोगों का ऐसा जानता हूं जो दलित लड़के के साथ नौकरी पेशा में है, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ फिर लोग मान गए, सब आना जाना है, काट के फेंकेंगे। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं मैं उनसे चाहूंगा, हाँ अंतिम बात, थोड़ा सा और वीडियो देखिएगा, पैसे के लिए कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए क्या क्या करेंगे, पैसा कमाना होता तो मैं भी बिहार जाकर के यही सब करता, और यूपी में बहुत से ऐसे मामले हैं। अब्दुल हमीद की मजार को आपने नहीं देखा जहां शहीद हुए हैं, आपने राणा प्रताप के चेतक को मैंने दिखाया जहां से कूदा है उसको आपने नहीं देखा, हमने शिवाजी
महाराज शिवाजी को दिखाया, उसको आपने तबीयत से नहीं देखा। हमने ब्रिगेडियर उस्मान को दिखाया, उसको आप नहीं देख रहे हैं। ऐसे तमाम वीडियो हैं, उसको नहीं देख रहे हैं और इस पर सीख दे रहे हैं। जो सीख दे रहे हैं उनके भी गुड सेंस की कामना करता हूं। और कहा गया कि मेरे पर अगर होगा तो आप क्या करेंगे, मैंने जो बताया वही करूंगा। बहरहाल बच्चों से दोस्ती करनी है, बच्चों ने गलती कर दिया तो क्या काट के फेंक देंगे, गर्दन उड़ा देंगे। जिन लोगों ने उड़ाया है उनकी हालत देख लीजिए, जेल में क्या कर रहे हैं और बाद में पश्चाताप हो रहा है। ठीक है, भूल चूक होती है, माना कि मानवीय दृष्टिकोण और व्यवहारिक नैतिक पक्ष नहीं हो सकता, लेकिन विधिक पक्ष तो है। तो हमने उन्हें रोजी रोजगार दिया, वीडियो करके उन्हें रास्ता दिया, और क्रिएटर तमाम वह बधाई के पात्र हैं जिन लोगों ने ऐसा किया। क्या करेंगे, हंसी मजाक करके हम उनको जीने का रास्ता दे रहे हैं बाबू। हम उन्हें हताश जीवन में हताशा और निराशा का भाव पैदा करके उनके जीवन को और भी कंटका किरण नहीं बनाएंगे, यह हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। चलिए, कुछ अगर आवेश में कह दिया हूं तो आप उसे क्षमा करेंगे। आइए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। ब्रजभूषण दुबे का प्रणाम स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।